हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं आप सबके लिए एक शानदार वीडियो के साथ। तो देखिए लास्ट तक वीडियो को जरूर, और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदू धर्म के अनुसार खाना खाने के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं? क्या आप सबको पता है कि खाना खाने के भी नियम होते हैं, और हिंदू धर्म के अनुसार कौन कौन से नियम हैं? भीष्म पितामह ने अर्जुन को चार प्रकार से भोजन न करने के लिए बताया था। पहला भोजन, जिस भोजन की थाली का कोई लांग कर गया हो वह भोजन की थाली नाले में पड़े कीचड़ के समान होती है। दूसरा भोजन, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग गई, पांव लग गया, वह भोजन की थाली विष्ठा के समान होती है। जिस तीसरे प्रकार का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, केस पड़ा हो, वह दरिद्रता के समान होती है। और चौथे नंबर का भोजन, अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हो तो वह मदिरा के तुल्य होता है। और सुनो अर्जुन, अगर पत्नी पति के भोजन करने के बाद थाली में भोजन करती है, उसी थाली में भोजन करती है, या पति का पचा हुआ खाती है, तो उसे चारों धाम के पुण्य का फल प्राप्त होता है। अगर दो भाई एक थाली में भोजन कर रहे हों तो वह अमृत पान कहलाता है, चारों धाम के प्रसाद के तुल्य वह भोजन हो जाता है। बेटी अगर कुमारी हो तो अपने पिता के साथ भोजन करती है एक ही थाली में, तो उस पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि बेटी पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। इसलिए बेटी जब तक कुमारी रहे तो अपने पिता के साथ बैठकर भोजन करे, क्योंकि वह अपने पिता की अकाल मृत्यु को भी हर लेती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।